Hello students, so we will continue our discussion about the various contraceptive methods. In this lecture we are going to discuss about the various oral contraceptives. Now the meaning of that word oral contraceptive, oral ka matlab kya ho gaya? Because these are the tablets, these are taken in the form of various tablets. So they are also called pills and they are orally administered. To kya ho gaya? Yahan pe word kaun sa ho gaya? Oral. कॉन्ट्रासेप्टिव तो आपको पहले से मालूम है कि कोई भी ऐसी डिवाइसेज, एनी डिवाइसेज विच कैन प्रिवेंट द कॉन्सेप्शन और वी कैन से प्रेगनेंसी, सो दीज आर द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स. नाउ दीज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स दे आर ऑफ टू टाइप्स. अब यहां पे जो टू टाइप्स हैं उसमें द फर्स्ट टाइप दिस इज कॉल्ड कंबाइंड पिल्स, सेकेंड टाइप दिस इज कॉल्ड प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स. ठीक है, अब यहां पे दोनों का मतलब क्या हो गया? कंबाइंड पिल्स का मतलब क्या हो गया कि ये जो यहां पे पिल होगा, इस पिल के अंदर देयर विल बी बोथ एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरोन, दोनों हार्मोन इस पिल के अंदर होंगे. लेकिन जो यहां पे दोनों हार्मोन जो यहां पे होंगे, बोथ दीज हार्मोन्स दे आर नॉट नेचुरल हार्मोन्स, दे आर द सिंथेटिक हार्मोन्स, बिकॉज द सेल्फ लाइफ ऑफ दीज synthetic hormone is more with if compared with the natural hormones. ठीक है, तो जल्दी degrade नहीं होते हैं inside the body. So usually in the various contraceptive methods, the various synthetic hormones are used. Now these combined pills in which both estrogen and the progesterone is there, there are further two types. One is called monophagic, second is called multiphagic. ठीक है, नाम सब क्या दिख रहा है? मोनोफेजिक मतलब सिंगल फेज. इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर, मोनोफेजिक के अंदर जो भी हॉर्मोन्स होंगे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, दे आर ऑफ बोथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, बोथ आर ऑफ सिमिलर कंसेंट्रेशन. यानी दोनों जो हॉर्मोन यहां पे जो यूज होंगे, दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी? बिल्कुल सिमिलर होगी. अमाउंट क्या होगी? बिल्कुल सिमिलर होगी. ठीक है, नाउ इन केस ऑफ मल्टीफेजिक मल्टीपल फेज, इसका मतलब क्या होगा कि यहां पे जो भी यहां पे हॉर्मोन्स यूज होंगे, कौन से? एस्ट्रोजन एंड दी प्रोजेस्टेरोन, उनका जो कंसंट्रेशन होगा वो कंसंट्रेशन सिमिलर नहीं होगा. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, यदि यहां पर मल्टीपल, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं छोटा सा, फॉर एग्जाम्पल दीज आर दी वेरियस पिल्स. अब ये जो यहां पे पिल्स यूज होती है, यहां पे जो कंसंट्रेशन है किसका? एस्ट्रोजन एंड दी प्रोजेस्टेरोन, वो क्या है? सिमिलर नहीं है. मतलब फॉर एग्जाम्पल जो कंसंट्रेशन है प्रोजेस्टेरोन का इन दीज पिल्स, ये क्या होगा? इंक्रीज होगा. कि ये जो पिल होगा इसके अंदर कंसंट्रेशन कम होगा धीरे धीरे, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. ठीक है, तो ये जो टेबलेट्स होंगी, इन टेबलेट्स के अंदर जो कंसंट्रेशन है प्रोजेस्टेरोन का, वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, यदि आए इसके ऊपर एस्ट्रोजन के ऊपर, सो नॉर्मली द कंसंट्रेशन ऑफ द एस्ट्रोजन, इट इज रिमेन कांस्टेंट और इट इज आल्सो इंक्रीजिंग. लेकिन मेन यहां पे क्या है? कौन है? विच हॉर्मोन? दैट इज द प्रोजेस्टेरोन हॉर्मोन. ठीक है, सो मोनोफेजिक द कंसंट्रेशन इज सिमिलर थ्रू आउट द पिल्स. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम फॉर एग्जांपल 21 पिल्स हैं, तो फर्स्ट पिल से लेकर के 21st जो पिल होगा उसके अंदर जो कंसंट्रेशन होगा इसका, एस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरोन का, वो क्या होगा? सिमिलर होगा. लेकिन मल्टीफेजिक में क्या होगा कि जो कंसंट्रेशन होगा वो कंसंट्रेशन इन दी ईच पिल ऑन दी ईच डे इट विल इंक्रीज. ठीक है, अब यहां पर देखिए पिल्स की यहां पर बात आ गई. तो पिल्स है, आप हमेशा एक चीज याद रखना कि जो यहां पे पिल्स यहां पे यूज होंगी, दीज पिल्स दे कैन बी फॉर बोथ मेल एंड दी फीमेल. ठीक है, तो डिस्कस किया है कि टेबलेट्स के फॉर्म में होती है, इसलिए क्या बोल दिया इनको? इनको क्या बोल दिया? पिल्स इनको बोल दिया. दो टाइप की होती है, कौन सी? कंबाइंड पिल्स एंड दी प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स. ठीक है, अब ये जो प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स होंगी, दे आर ऑल्सो कॉल्ड मिनी पिल्स. ठीक है, तो ये जो पिल्स है, दे आर आल्सो ए टाइप ऑफ द पिल्स, बट इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेबलेट्स ओनली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज देयर, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड मिनी पिल्स. ठीक है, अब यहां पे मैंने क्या बताया कि जो पिल्स हैं, यदि मैं आपको बताऊं कि जो पिल्स होंगी, दीज पिल्स दे कैन बी यूज्ड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल.
लेकिन जो मेल के लिए जो पिल्स यूज होती हैं उनके ऊपर अभी रिसर्च उनके ऊपर चल रही है, अभी मार्केट के अंदर ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, यदि हम बात करें मेल्स के अंदर, तो वहां पे जो एक रिसर्च हुई थी जहां पे किसका एग्जांपल दिया जाता है, दैट इज दी गोसीपोल। ठीक है, अब गोसीपोल वी कैन से जो एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो डिस्कवर हुआ था फॉर दी मेल, ये कहां से डिराइव हुआ था, दिस इज डिराइव फ्रॉम दी कॉटन सीड्स। ठीक है, कॉटन सीड से डिराइव हुआ था, लेकिन बाद में क्या हो गया, बाद में इसको क्या कर दिया, बाद में इसको बैन कर दिया। ठीक है, एंड व्हाइट वाज बैंड, इट वाज बैंड बिकॉज दिस गोसीपोल इट इनहिबिट द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो अच्छी बात है, तो फिर भी बैन क्यों कर दिया, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा, सो देयर आर नो चांसेस ऑफ द प्रेगनेंसी। लेकिन जो ये गोसीपोल होगा ये क्या कॉज किया इसने, इट कॉजेज परमानेंट एजोस्पर्मिया। ठीक है, एजोस्पर्मिया का मतलब क्या हो गया कि वहां पे जो स्पर्म थे वो बिल्कुल क्या हो गए, एब्सेंट हो गए, मतलब इसने स्पर्मेटोजेनेसिस को इसने क्या कर दिया, इसने परमानेंट भी ही क्या कर दिया, उसको वहां पे इनहिबिट कर दिया। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब बिकॉज इफ परमानेंटली स्पर्मेटोजेनेसिस इनहिबिट हो गया, मतलब अब यहां पे रिवर्सिबिलिटी नहीं है कि गोसीपोल को लेना छोड़ दिया फिर भी क्या नहीं होगा, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होगी क्योंकि स्पर्म अब नहीं बन रहे हैं, इसलिए दिस गोसीपोल इट वॉज बैड। ठीक है, यदि बात करूं किसकी, यदि मैं फीमेल जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है वही मार्केट के अंदर इजिली अवेलेबल है, लेकिन ये दो टाइप की है। ठीक है, कैसे कि जो फीमेल की जो पिल्स है दे आर आल्सो इन द टर्म ऑफ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, एंड सेकंड इज दी रेगुलर पिल्स। ठीक है, मतलब इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब ये किस केस में यूज होंगी, ओनली इन दी केस ऑफ इमरजेंसी। फॉर एग्जाम्पल यदि अनसेफ इंटरकोर्स हुआ है तो उस कंडीशन में क्या होगा, इफ दैट फीमेल इज नॉट वांटिंग दी प्रेगनेंसी देन इन केस ऑफ सर्टेन पिल्स आर टेकन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टन एंड दीज आर कॉल्ड इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है, एंड रेगुलर पिल्स वो होती है जो रेगुलरली जो फीमेल है उनको कंज्यूम करती है। फॉर एग्जाम्पल जो हम डिस्कस कर रहे हैं कंबाइंड पिल्स एंड दीज मिनी पिल्स, ये कौन सी पिल्स हैं, दीज आर दी रेगुलर पिल्स। ठीक है, तो जिनको हम क्या करेंगे अब वन बाय वन क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज वेरियस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव और वी कैन से पिल्स। ठीक है, अब यदि एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो यहां पर देखिए कि जो डोज होगा वो डोज उनका कैसे होगा, किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, रेगुलर पिल्स की, और किसकी बात कर रहे हैं इसमें, कंबाइंड पिल्स की एंड दी मिनी पिल्स। ठीक है, इसमें एक यही डिस्कस कर लेते हैं कि जो मिनी पिल्स होंगी दे आर टेकन डेली, इसमें कोई भी बीच में इंटरप्शन नहीं है, चाहे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो चाहे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो, दीज पिल्स दे शुड बी टेकन कंटीन्यूअसली, दे शुड बी टेकन डेली विदाउट एनी इंटरप्शन। ठीक है, नाउ वी आर डिस्कसिंग दी मेनली दी कंबाइंड पिल्स, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे है, लेकिन अपनी एनसीईआरटी की बुक में क्या दे रखा है कि दोनों को ही कंबाइंड करके जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है उनका एडमिनिस्ट्रेशन दे रखा है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो ये एडमिनिस्ट्रेशन होगा, सो दीज पिल्स दे यूज टू बी टेकन फॉर 21 डेज। ठीक है, 21 डे तक यानी 21 दिन तक इनको लगातार लिया जाता है। कैसे कि नॉर्मली क्या होगा, दीज पिल्स दे आर स्टार्टेड विद इन द फर्स्ट 5 डेज, सो दीज आर स्टार्टेड विद इन 5 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, इसका मतलब है मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब यहां किसकी बात कर रहे हैं, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के यहां पे बात कर रहे हैं। मतलब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल कि दीज आर द टैबलेट्स, और ऐसे क्या होगा काफी सारे टैबलेट्स यहां पे आती हैं। ठीक है, सो नॉर्मली दीज पिल्स दे आर टेकन स्टार्टिंग फ्रॉम दी
स्टार्टिंग फ्रॉम द फिफ्थ डे, फिफ्थ डे से ये टेबलेट्स हैं वो स्टार्ट की जाती हैं और कब तक ली जाती हैं, टिल द 25th डे, ठीक है, मतलब फिफ्थ से लेकर के 25th डे तक ये बंद कर दी जाती है। तो कितना हो गया, दिस इज द स्पैन ऑफ 21 डेज, ठीक है, तो 21 डे तक ली जाती है एंड दे आर स्टार्टेड विद इन द 5 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फेज और द मेंसेस, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या होगा, एंड जैसे ये टेबलेट कोई फीमेल इनको लेना बंद कर देती है तो क्या होगा, जस्ट आफ्टर स्टॉपेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पिल्स देयर विल बी आफ्टर 2 to 3 डेज मैनुअली देयर विल बी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ठीक है। तो उसके बाद में देखिए जो 7 डेज का गैप है कि 21 डे के बाद में, मान के चलिए कि 28 डेज का यदि एग्जैक्ट रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो वहां पे 7 डेज का गैप वहां पे क्यों दे रखा है, बिकॉज ये तो 7 डेज का गैप होगा, इस 7 डेज के गैप में क्या होगा, देयर विल बी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इन दैट पर्टिकुलर 7 डेज, ठीक है। अब यहां पे देखिए कि जो टेबलेट्स होंगी वो टेबलेट्स कितनी होती है, वो 28 टेबलेट्स ही होती हैं, लेकिन हार्मोन कितने के अंदर होता है, हार्मोन होता है किसके अंदर, 21 जो पिल्स होती हैं उसी के अंदर क्या होता है, क्या होता है, हार्मोन्स होते हैं, बाकी में नहीं होता। बाकी में क्या होता है, अब मान के चले कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई रूरल वुमेन है, पढ़ी लिखी नहीं है, उनको कैसे मालूम चलेगा कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी, तो वहां पे क्या करना, ये जो पिल्स होती है उनका कलर भी डिफरेंट होता है, ठीक है। मान लीजिए कि जो नॉर्मल होती है उनका कलर कैसा होगा, व्हाइट कलर उनका होता है, जिसमें क्या होते हैं, जिसके अंदर वेरियस हॉर्मोन्स होते हैं। और जो लास्ट की जो होंगी, लास्ट की जो 7 होंगी, 3, 4, 5, 6, 7, ये कैसे कलर की होती हैं, ये ब्लैक कलर की होती है जो पिल्स होती है, मतलब इसके अंदर देयर इज नो हॉर्मोन, ओनली क्या होता है, आयरन इसके अंदर होता है फॉर द आरबीसीज, ठीक है। सो काफी याद रखना है, कंपटीशन में काफी बार बेटा पूछा गया है क्या कि दीज पिल्स दे आर टेकन फॉर 21 डेज एंड दे आर स्टार्टेड विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, दे आर टेकन फ्रॉम द 5th डे टू द 25th डे एंड फॉर द 7 डेज, इन द 7 डेज देयर विल बी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। अब देखिए एक यहां पे केस ऐसा है, मान के चले कि कोई फीमेल थी वो इस पर्टिकुलर डे के ऊपर टेबलेट लेना भूल गई, ठीक है, बच्चों ने परेशान कर दिया, दिमाग में टेंशन हो गई और टेबलेट लेना भूल गई। टेबलेट लेना भूल गई इसका मतलब क्या होगा, कि मान के चले कि इस डे पे उसने टेबलेट नहीं लिया, इसका मतलब ये होगा कि जो नेक्स्ट डे होगा उस नेक्स्ट डे पे उसको कितने टेबलेट लेनी पड़ेंगी, उसको जैसे ही याद आता है कि मैं टेबलेट लेना भूल गई हूं, कितना टेबलेट लेना पड़ेगा उसको, सी शुड टेक दी 2 टेबलेट्स टुगेदर, एक साथ उसको 2 टेबलेट्स लेनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 3 दिन तक उसकी याददाश्त खराब और 3 दिन तक उसने टेबलेट ली नहीं, उस केस में क्या होगा, उस केस में ऐसा नहीं है कि जो नेक्स्ट डे होगा उसमें 4 टेबलेट एक साथ खाली, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब क्या होगा कि तो उसने भूल गया, वो दैट पर्टिकुलर फीमेल यदि भूल गई है टेबलेट लेना, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, उस कंडीशन के अंदर उसको नेक्स्ट डे से उसको अब टेबलेट लेना छोड़ना पड़ेगा, देयर विल बी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड देयर विल बी स्टार्टिंग ऑफ द न्यू कोर्स, उसको नया कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे उसको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे जो हम बात कर रहे हैं किसकी, जो भी कंबाइंड पिल्स हैं, ये कंबाइंड पिल्स मैंने क्या बताया था, दिस विल बी टेकन फॉर द 21st डे, देयर कैन बी सिमिलर कंसंट्रेशन ऑफ द बोथ द हार्मोन्स एंड देयर कैन बी द इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ द एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरोन, मेनली कौन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। तो ये पॉइंट यहां पे डिस्कस कर लिया हमने कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है टेबलेट से भी, इसको बोलते हैं क्या, मिसिंग पिल्स, ठीक है, कैसे उनको लेना पड़ता है बाद में, मिसिंग पिल्स, ठीक है। उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिस्कशन, दैट इज द मेथड ऑफ एक्शन, कैसे काम करती है। तो हमने डिस्कस किया था पहले भी कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है उसके पहले में क्या डिस्कस किया था, अबाउट द आईओडीज। तो आयोडीज में मैंने हॉर्मोनल आयोडी में क्या बताया था कि वो क्या करती हैं, कि जो यूट्रस होगा उसको वो इम्प्लांटेशन में क्या करती है, अनसुटेबल करती हैं। प्रोजेस्टेरोन होता है वो सर्विकल म्यूकस को क्या बनाता है, थिक बनाता है, ठीक है, जिससे क्या होगा, स्पर्म्स की एंट्री वो रिटार्ड हो जाती है। ऐसे यहां पर क्या होगा कि जो फर्स्ट मेथड ऑफ एक्शन होगा, फर्स्ट मेथड ऑफ एक्शन दैट इज द इनहिबिशन ऑफ द ओवुलेशन। Now in the previous lecture, especially in the human reproduction, हमने क्या डिस्कस किया था
कि यहां पे जो हॉर्मोन्स हैं कौन से, जो दो हॉर्मोन हम डिस्कस कर रहे हैं कौन से हॉर्मोन, वन इज दी एस्ट्रोजन एंड सेकेंड इज दी प्रोजेस्टेरोन। अब ये जो यहां पे हॉर्मोन्स हैं ये क्या करेंगे, दे विल इनहिबिट द ओवुलेशन। कैसे करेंगे कि मेनली जो प्रोजेस्टेरोन होगा ये किसको इनहिबिट करता है, ये किसको करता है, एलएच को इनहिबिट करता है। और एलएच इनहिबिट हो गया इसका मतलब एलएच सर्ज नहीं होगा, एंड इफ देयर इज नो एलएच सर्ज देयर विल बी नो रप्चर ऑफ द ग्राफीन फोलिकल एंड देयर इज नो ओवुलेशन। सो मेनली द प्रोजेस्टेरोन, जो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन हम यूज कर रहे हैं वहां पे क्या होगा, किसको इनहिबिट करता है, वो एलएच को इनहिबिट करता है। ठीक है, यहां पे जो हम पढ़ रहे हैं कौन सा एस्ट्रोजन, ये मेनली किसको इनहिबिट करेगा, ये किसको करता है, ये एफएसएच को इनहिबिट करता है। यदि हम कंबाइंड दोनों को देखें तो क्या होगा कि जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होगा इट किसको अफेक्ट करेगा, इट अफेक्ट दी एफएसएच एंड एलएच। तो एफएसएच एंड एलएच यदि नहीं बन रहे हैं, यदि वो सप्रेस हो गए हैं, इसका मतलब क्या होगा, देयर विल बी नो ओवुलेशन। दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ एक्शन ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। नाउ सेकंड वन, फॉर एग्जांपल कि ये इसने यहां पे काम नहीं किया, या मान के चलिए कि फॉर एग्जांपल कि ये जो पिल्स ली हैं उस पिल से पहले क्या हो गया कि मान के चलिए कि जो प्रेगनेंसी वो हो गई है, उस केस में क्या काम करती है, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव वो एज ए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव भी काम करती है, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो सेकंड क्या करेगा, दिस इज द अल्टरनेशन ऑफ द अल्टरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम। इसका मतलब क्या है, अल्टरेशन का मतलब कि हमने डिस्कस किया था कि इन द एंडोमेट्रियम देयर आर सर्टेन ग्लैंड्स एंड दीज ग्लैंड्स आर कॉल्ड एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स। अब ये जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स होंगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज हॉर्मोन्स, एज आई डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर आल्सो, कि दीज एक्सेसिव कंसेंट्रेशन ऑफ द एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरोन दे विल मेक द यूट्रस अनरेस्पॉन्सिव, दे विल मेक द यूट्रस अनरेस्पॉन्सिव फॉर द दीज एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरोन हॉर्मोन। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जो एंडोमेट्रियम होगा, एंडोमेट्रियम के अंदर क्या चेंजेस होगा, जो सिक्रेटरी एक्टिविटी है, द सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ द एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इफ देयर इज नो सिक्रीशन, इफ देयर इज नो यूट्रिन मिल्क, देयर विल बी नो न्यूट्रिशन टू द ब्लास्टोसिस्ट, और अल्टीमेटली क्या होगा कि इम्प्लांटेशन है वो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वन, दिस चेंजेस इन द सर्विकल म्यूकस। तो डिस्कस हम किया था पहले भी, क्या डिस्कस हमने किया था, कि जो प्रोजेस्टेरोन होगा दैट विल मेक द सर्विकल म्यूकस, क्या बनाएगा इसको, सर्विकल म्यूकस को क्या बनाएगा, थिक बनाएगा। ठीक है, थिक बनाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो स्पर्म्स का जो एंट्री होगा, स्पर्म्स का जो पेनिट्रेशन होगा, दैट पेनिट्रेशन क्या हो जाएगा, इट विल बी रिटार्डेड। ठीक है, सो मेनली क्या होगा, मेनली यहां पे तीन यहां पे मेथड ऑफ एक्शन है। पहला कौन सा हो गया, इनहिबिशन ऑफ द ओवुलेशन इन विच दीज हॉर्मोन्स एफएसएच एंड एलएच आर इनहिबिटेड। सेकंड इज दी देयर विल बी एट्रोफी ऑफ द एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स। ठीक है, यहां पे वर्ड मैंने क्या यूज किया है, यहां पे मैंने क्या यूज किया है, दैट इज कॉल्ड एट्रोफी, यानी एट्रोफिकेशन, कि ये जो सेल्स हैं एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स, यदि यहां पे हॉर्मोन्स नहीं आएंगे, दीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, अल्टीमेटली क्या होगा, एट्रोफी, डीजनरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, और डीजनरेशन हो गया तो क्या हो गया, बाद में इम्प्लांटेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जहां पे ग्लैंड्स, जो टॉर्सस नहीं है, उस टॉर्सस विदाउट टॉर्सस एंडोमेट्रियम विदाउट एनी यूट्राइन मिल्क देयर विल बी नो इम्प्लांटेशन। एंड थर्ड वन, इफ द सर्विकल म्यूकस इज थिक, it is not slippery because of the progesterone hormone, then in this particular condition these sperms cannot penetrate through the cervical mucus and there are very less chances of the pregnancy. Okay, so this is the method of action about this various these combined pills. ठीक है, जो progesterone only pill है वो भी ऐसे ही काम करेगा, क्योंकि progesterone किसको inhibit कर रहा है, LH को inhibit कर रहा है। ठीक है, एंडोमेट्रियम को अल्टर करेगा, और साथ में क्या होगा, ये तो फंक्शन किसका है, प्रोजेस्टेरोन का ही फंक्शन है। तो मेथड ऑफ एक्शन दोनों का सिमिलर होगा, कंबाइंड पिल्स का भी सिमिलर होगा, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स का भी सिमिलर होगा, बट द डिफरेंस इज देयर दैट दीज मिनी पिल्स दे आर टेकन डेली, डेली इनको लेना पड़ता है। लेकिन यहां पर आप क्या देखा आपने, यहां पर जो 7 days का गैप था, ठीक है, वो कहां पर नहीं है, इन मिनी पिल्स के अंदर 7 days का गैप नहीं है। ठीक है, नाउ लास्ट में
इसको डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी सहेली। बेटा काफी बार ये क्वेश्चन एआई पीएमटी में पूछा गया है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि जो सहेली है इसका कंपोजिशन क्या है और ये सहेली कैसे काम करती है। सो दीज आर दी सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ दी कंबाइंड पिल्स। नाउ जैसा हमने डिस्कस किया है पहले भी कि जो कंबाइंड पिल्स हैं उसमें दो टाइप का कौन सा, मोनोफेजिक एंड दी मल्टीफेजिक। उसमें जो फेमस है दिस इज दी माला डी एंड माला एल, आल्सो फेमिनोन। These Mala D and Mala L, these are the monophasic pills and they are available under the family welfare programs. ठीक है, apart from this, जो multiphasic है उसके example क्या है, Triquilar and Orthonovum, these are the two examples of the multiphasic combined pills and these POP, POP का मतलब क्या हो गया, progesterone only pills. ठीक है, so these pills they are available in India under the brand name. तो मार्केट के अंदर जो मेडिकल की दुकान होती है उसमें के नाम किस नाम से मिलता है, जेरोजन के नाम से मिलता है। Now जेरोजन के अंदर क्या है, this is the desogestrel. Now this desogestrel it is the synthetic. और कौन सा हार्मोन होना चाहिए सिंथेटिक, कौन सा होगा, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, तो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, क्या नाम है उसका, डेसोगेस्ट्रेल, एंड ये सोल्ट हो गया और किस ब्रांड नेम से मिलता है, जेरोजन के नाम से मिलता है, कहां पे, द कंट्री इज अवर ब्यूटीफुल इंडिया। ठीक है, अब यहां पे देखिए कि ये जितनी भी पिल्स हैं जहां पे वी आर टेकिंग द एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरोन देयर आर न्यूमेरियस साइड इफेक्ट्स, काफी सारे साइड इफेक्ट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि जो भी एस्ट्रोजन होगा उसके कारण क्या होगा, दैट फीमेल विल फील नोजिया। ठीक है, नोजिया मतलब क्या हो गया, डिजायर ऑफ वोमिटिंग, वो फील होगा किसके कारण, बिकॉज ऑफ दी एस्ट्रोजन। अपार्ट फ्रॉम दिस, बिकॉज ऑफ वेरियस गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स देयर इज आल्सो लैक ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगती है। ठीक है, लैक ऑफ एपेटाइट अपार्ट फ्रॉम दिस नोजिया एंड इट कैन बी फॉलोड बाय वोमिटिंग आल्सो। सो नोजिया, वोमिटिंग, लैक ऑफ एपेटाइट, apart from this in some of the females it is seen the condition of oligomenorrhea. ठीक है, oligomenorrhea and we can say dysmenorrhea, painful जहां पे menstrual bleeding होता है, तो ये काफी सारी females में ये जो side effect है आ जाते हैं। ठीक है, अब इंडिया में खासकर क्या हुआ कि the scientist of the CDRI central drug research institute कहां पे है, पहले भी discuss किया था हमने, कहां पे है, इन दी लखनऊ। ठीक है, तो ये एक ऐसा पिल है सहेली, और अपने को प्राउड फील करना चाहिए कि इंडिया के अंदर एक ऐसा पिल बनाया गया जिसके कोई भी साइड इफेक्ट, यू कैन से वेरी लेस साइड इफेक्ट इसके हैं, और इसमें कोई भी हार्मोन नहीं है। मैंने क्या लिखा है, नॉन स्टीरोइडल प्रिपरेशन। ठीक है, कोई भी स्टीरोइड हार्मोन, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ही कैसे हार्मोन है, स्टीरोइडल हार्मोन है, कोलेस्ट्रॉल से डिराइव होते हैं, लिपिड डिराइव्ड हार्मोन है। ठीक है, ये कैसे नॉन स्टेरॉइडल, ये प्रिपरेशन है, किसने बनाया, सीडीआरआई सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ठीक है, नाम क्या है इसका, सहेली। ठीक है, एंड इसके अंदर जो यहां पे सोल्ट है दैट इज सेंट क्रोमैन। ठीक है, तो सेंट क्रोमैन ये सोल्ट का नाम है, और इसका दूसरा नाम क्या है, दैट इज ऑल्सो कोल्ड ओरमेलोक्सीफेन। सो ओरमेलोक्सीफेन और वी कैन से सेंट क्रोमैन, इट इज द सोल्ट, और मार्केट में सेंट क्रोमैन के नाम से मिलता है एंड ये सहेली के नाम से भी मिलता है। ठीक है, तो ये सोल्ट का नाम हो गया। अब देखिए, जब इसमें कोई हार्मोन नहीं है इसका मतलब ये काम कैसे करेगा। ठीक है, तो काम कैसे करेगा कि इसके अंदर हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं SERM, सर्म। ठीक है, वो सर्म वाला दूसरा पद नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, दिस इज सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। इसका मतलब क्या है, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मतलब जितने भी एस्ट्रोजन रिसेप्टर होंगे सबके अगेंस्ट काम नहीं करता है। मतलब क्या हो गया कि इसका जो फंक्शन होगा, इसका मेजर फंक्शन क्या होगा, इट हैज विच प्रॉपर्टी, इट हैज एंटी एस्ट्रोजेनिक फंक्शन। कि मैंने क्या बताया, ये जो सोल्ट होगा, ये जो केमिकल कंपाउंड है, इट विल बाउंड विद द सेलेक्टेड
एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, जिससे क्या होगा एस्ट्रोजन यहां पे बाइंड नहीं कर पाएगा एंड देयर विल बी नो फंक्शन ऑफ द एस्ट्रोजन। मेनली कहां की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, ऑफ द एंडोमेट्रियम। ठीक है, सो एंडोमेट्रियम में क्या होगा, इसका एंटी एस्ट्रोजेनिक फंक्शन होगा, इफेक्ट होगा। ठीक है, सो बेटर वर्ड वी कैन राइट एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि एस्ट्रोजन काम नहीं कर रहा है एंडोमेट्रियम के ऊपर, सो यहां पे कौन सी एक्टिविटी क्या होगी, यहां पे इफेक्ट होगी, दैट इज द प्रोलिफरेशन। ठीक है, सो प्रोलिफरेशन इज अफेक्टेड, और प्रोलिफरेशन नहीं होगा एंडोमेट्रियम के अंदर तो वहां पे द स्टेटम बेसिलस, यदि स्टेटम फंक्शनलेस नहीं बनाएगा तो वहां पे क्या नहीं होगा, थिकनेस नहीं होगा एंडोमेट्रियम का, और थिकनेस नहीं होगा तो वहां पे इम्प्लांटेशन के चांसेस बिल्कुल रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेट कर दिया उसको, मॉडिफाई कर दिया, बाइंड नहीं कर पाएगा, कौन सी एक्टिविटी है, एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्टिव। ठीक है, इफेक्ट, तो मेनली क्या होगा, आपको याद रखना है कि ये कहां पे शो करेगा, सो मेनली इन द यूट्रस एंड ऑल्सो सम इन द ब्रेस्ट ऑल्सो। ठीक है, सो यहां पे दो, यहां पे अपने पास में ऐसी लोकेशन है जहां पे कौन सी होगी, एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट इसका होता है। एंड ऐसा नहीं कि मैंने क्या लिखा, सेलेक्टिव लिखा है, सारे के सारे रिसेप्टर से बाइंड नहीं करता है, एंड इसका मतलब इट ऑल्सो हैव सम ऑफ द एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट ऑल्सो। ठीक है, मतलब क्या करेगा कि कुछ जो वहां पे रिसेप्टर्स होंगे तो वहां पे क्या करेगा, प्रमोट करेगा किसको, एस्ट्रोजन बाइंडिंग को, और वहां पे कुछ जगह ऐसी होगी इन केस ऑफ ब्रेस्ट एंड यूट्रस जहां पे क्या करेगा कि एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को ये बाइंड नहीं होने देगा, तो रिसेप्टर्स बाइंड नहीं होगा वहां से एस्ट्रोजन, तो क्या होगा, अल्टीमेटली देयर विल बी नो प्रोलिफरेशन इन द एंडोमेट्रियम इन द यूट्रस, देयर आर वेरी लेस चांसेस ऑफ द इम्प्लांटेशन। तो याद रखना है कि जो सहेली जो पिल है, क्या ये सहेली ओवुलेशन को इनहिबिट कर रही है, ओवुलेशन को इनहिबिट नहीं कर रही है, किसको कर रही है, ये इम्प्लांटेशन को इनहिबिट कर रही है। ठीक है, और फेमस क्यों है, बिकॉज दिस सहेली इट हैज फ्यू साइड इफेक्ट, ये नहीं आते हैं इसमें नोजिया, वोमिटिंग, लैक ऑफ एपेटाइट, ओलिगोमेनोरिया, डिसमेनोरिया, इनके सब सहेली नहीं होती है। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या नहीं है, कोई भी हार्मोन नहीं है, इट इज ए नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन। ठीक है, एंड इट हैज हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, मतलब क्या हो गया, हाई का मतलब काफी ज्यादा होती है, कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या होता है, ये कॉन्सेप्शन को प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो इफेक्टिव बहुत है, साइड इफेक्ट भी नहीं है, कोई हार्मोन भी नहीं है, इंडिया में ही बनाया है तो काफी ये फेमस हो गया। सोल्ट कौन सा है इसके अंदर, सेंट्रोमेन, उसका दूसरा नाम क्या है, और मेलोक्सीफेन। मेन इफेक्ट कौन सा है, एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट, मतलब किसको अफेक्ट करेगा, प्रोलिफरेशन को क्या करता है, इफेक्ट करता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरियस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स।